हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो सुबह के 6:45 बजे हैं और मैं तुलसी जी की पूजा करने जा रही हूँ, नहा ली हूँ क्योंकि कार्तिक का महीना है तो मैं हमेशा नहाती हूँ और तुलसी जी की पूजा करती हूँ। चार के हिसाब से हो जाएंगी और कम हो तो कम कर ले। थक के चार रख देंगे पराठे उसमें टिफिन में। चने की सब्जी बनानी है अभी। हाँ बनाना। चाय बनानी है काफी जल्दी। पहले उबाल भैया उबले में ले जाएगा। ऐसे कच्चे रखे हैं पर पेट दर्द हो जाता है ना। क्या तो ऐसे बने हुए ले जाएगा होता है ना। हाँ ये जो तेल बचा है बस इसमें ही बना देंगे बड़ी कढ़ाई। ठीक है तो कम तेल में खराब हो इसका टिफिन ही खराब हो जाता है रोज की सूखी सूखी सब्जी बनाओ तो। हाँ आएंगे मैं और आंटी 2 मिनट उनके thank you।
हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अब मेरा काम निपटा है, 11:15 बज गई हैं सुबह की, और सुबह से आपने देखे हमारे काम। उसके बाद बहू ने खाना बनाया, फिर बहू गई, शिप्रा गई, सब गए। उसके बाद मैंने कपड़े धोए, कपड़े धो के अब मैंने साड़ी चेंज की, क्योंकि साड़ी गीली हो जाती है कपड़े धोने से। तो बस हमारे यही काम चलते रहते हैं। तो बहुत से लोगों का मतलब कमेंट्स बहुत से लोग करते हैं कि आप अपने बचत के बारे में फिर वीडियो बनाइए। तो बचत की तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, फिर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, बचत की वीडियो बनाऊंगी। और एक कमेंट आया था अभी कि दिवाली में घर को कैसे सजाएं। तो इस बार मैं तो नहीं सजा रही हूँ, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने घर को नहीं सजा रही हूँ, लेकिन अगर सजाती तो आपके साथ वीडियो शेयर करती। मैंने अपनी कम्युनिटी में पिछले साल की दिवाली की सजावट की, बिल्कुल सिंपल सजावट की वीडियो डाल रखी है, तो वो जरूर देख लें आप। पिछले साल की कम्युनिटी में मैंने अपनी जो कम्युनिटी है उसमें डाल रखी है, तो आपकी होम पेज में जरूर आएगी वो, और आ रही होगी, तो उस वीडियो को देखिए कि थोड़ा बहुत मैंने सजाया था। तो पिछली दिवाली में मैंने दिए भी रंगे थे, इस बार भी रंगूंगी, मैं अथक के साथ रंगूंगी, क्योंकि अथक को शौक लगता है दिए रंगने का, या फिर कोई करवे पड़े हैं तो वो रंगने का उसे शौक लगता है। तो वो कह रहा था नानी मैं आपके साथ रंगूंगा, तो अभी तो वो स्कूल गया हुआ है, फिर स्कूल से आएगा तो देखेंगे। तो दिए जरूर रंगवाऊंगी उससे, क्योंकि पूजा तो होगी ही दिवाली की। तो नीतू जी का शायद था, नीतू जी का कमेंट था कि है ना आंटी, दिवाली में कैसे हम घर को सजाएं, इसके बारे में वीडियो बनाएं। तो इसके बारे में मैं तो यही कहूंगी कि जो कुछ आपके पास रखा है उसी से आप सजावट कर लें घर की। जैसे पिछले साल के भी आपके पास पर्दे भी पड़े होंगे, आपके पास सजावट की चीजें भी पड़ी होंगी, तो उन्हीं में कई चीजें ऐसी होती है उन्हीं में हम कलर करके भी उनको नई बना सकते हैं। बहुत सी ऐसी मूर्तियां भी हमारे पास होती हैं, बहुत से गुलदस्ते होते हैं, और भी ऐसी चीजें कई होती हैं जो हम कलर कर सकते हैं। यदि पेंटिंग का शौक रखती हैं तो उनको कलर वाला करके वापस दोबारा से सजा सकती हैं, दिए रंग सकती हैं। दियों के बाद जो गोल गोल जो आप क्या बोलते हैं, हम तो कुल्लड़ बोलते हैं, चार तरह की चार जुड़ी हुई कुल्लड़ भी आती हैं दिवाली में आती हैं, वैसे तो वो रंगी हुई आती हैं, लेकिन आप भी अपनी कला दिखा सकती हैं उनको वापस रंग के। दिया होता है दीपक, जो लक्ष्मी जी का बड़ा दीपक होता है उसको भी जला लें आप, जला लें नहीं मतलब उसको भी सजा लें, कलर करके सजा लें, या कोई जो भी आपको आता है लेस लगा लें, कुछ भी लगा लें। तो इस तरह से आप एक बार आप अपने लक्ष्मी जी की सजावट की अलग से तैयारी कर लें। जैसे कोई भी आपके पास बॉक्स है, या आपके पास पाटा है, या जो भी है उसमें आप जो बिछाने का होता है लक्ष्मी जी के नीचे, हम लाल कपड़ा बिछाते हैं, हम तो लाल कपड़ा ही बिछाते हैं, तो लाल कपड़ा है तो उसको सजा लें अच्छा सा, और सजा लें पुराना पड़ा है तो अगर अच्छा सा है वो तो उसको सजा लें, साफ कर लें, या फिर नया बनाना है तो नए में लेस वेस लगा के चमकीली, और फिर लक्ष्मी जी के नीचे जो आप बिछाती हैं उसको भी और अच्छा सुंदर बना लें। तो ये जो 5-6 चीजें लक्ष्मी जी की पूजन के लिए हम तैयार करते हैं उन्हें आप अच्छे से रंग लें या कलर कर लें, जो भी करना है वो कर लें। बाकी दूसरा बात है कि अपन कमरों को आप लोग सजाती हैं, तो कमरे में भी अगर आप चाहें तो नए पर्दे ले आएं, नए सोफा बैक ले आएं, या नहीं है आपके पास और इतना बजट भी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि इतना बजट नहीं होता और हर गृहिणी सोचती है कि मैं अपने घर को सजाऊं, तो उसमें आप जैसे कि आपके पास कोई दुपट्टा है मान लो सिल्वर वगैरह, तारे सितारे लगे हुए साड़ियां होती हैं जो अब फैशन में नहीं है, उनको भी आप बिछा के अच्छा सा सोफे को सजा सकती हैं आप अपने सोफे को, या कुर्सियों के कवर गद्दियों के बना सकती हैं, कुशन कवर बना सकती हैं। तो ऐसी जो तारे वगैरह की साड़ियां हैं उनसे, एक ही साड़ी से काफी चीजें बन सकती हैं, तो वो बना के आप अपने घर को सजा सकती हैं। पर्दों को अगर पुराने ही पर्दे आपके पास है तो उनको भी धो के प्रेस करके लगा सकती हैं, या उनको भी थोड़ा सा बदल सकते हैं, या फिर नई साड़ी के ही जो पुरानी साड़ी है आपके पास उनके नए पर्दे बना लें आप, तो उस तरह से भी आप घर को सजा सकती हैं। बेडशीट वगैरह है तो एक दो तो हर गृहिणी के पास रखी रहती है उसकी बॉक्स में, हम ऐसे वक्त के लिए रखते हैं जब हमारे कोई मेहमान आने वाले होते हैं, या कोई
हमारे घर में कोई त्योहार होता है उसके लिए हम रखते ही हैं, हर गृहिणी रखती है, एक तो एक्स्ट्रा रखती ही है, तो वो निकाल के वही रख लें। यदि आपके पास नहीं है तो निकाल लें वही और उसी से आप सजा लें। जरूरी नहीं है कि आप नई नई चीजें लाए, कई बार बजट नहीं होता और हम नई चीजें नहीं ला सकते हैं, तो आप पुरानी चीजों से ही कोशिश करें, अपना थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं और कोशिश करें कि उसी से सजा लें। पहले आप सारे घर के जो चाले वगैरह है वो झाड़ लें, या आपने रंगाई पुताई करवाई है तो ठीक है, नहीं करवाई है तो आप जाले वाले झाड़ के, और उसमें आप वॉलपेपर आजकल बहुत सस्ते आते हैं तो वो लगा के आप अपनी दीवार को सजा सकते हैं, अपने रूम को सजा सकते हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें हमारे घर में ही रखी रहती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं तो इनको भी आप काट के इनके भी गुलदस्ते वगैरह बना सकती हैं, या कांच की कोई बोतल आपके पास पड़ी है, मान लो सॉस की बोतल अभी मैंने रखी हुई है, मैं भी रंगूंगी तो अपनी वीडियो जरूर उसकी बनाऊंगी, तो सॉस की बोतल वगैरह होती है उनको इकट्ठी कर लें, कांच की बोतल को, उन्हें उसमें भी आप पेंटिंग करके उनको गुलदस्ते बना के सजा सकते हैं। तो कई ऐसे आइडियाज हैं जिनको आप करके और अपने घर को सजा सकते हैं। कोई भी साड़ी है आपके पास तो उसके पल्ले से आप बना लीजिए, कुशन कवर बना लीजिए, या कुछ बिछाने का सोफे में बिछाने का बना लीजिए, ऊन से काफी आपके पास, यदि ऊन है तो ऊन से काफी झलर बनती है, जो लटकाने के आजकल लगाए जाते हैं, जो सोफे में जो कपड़े बिछाए जाते हैं उसमें भी ऊन की जो झलर की टाइप बनती है वो लटका दी जाती है, तो वो बहुत फैशन में है। मैं खुद भी बनाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी, मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं वो, तो कलरफुल आप ऊन लाके और बना सकते हैं उनको भी, वो बहुत सरल बनती है। आप यूट्यूब में कई ऐसी वीडियोस देखिए जिससे कि आपको वो बनाना भी आ जाए, बहुत सरल तरीके से बनती है, और यूट्यूब में ही ऐसे कई वीडियोस दे रखी हैं जिससे आप अपने घर को सजा सकते हैं। बहुत से कार्टन बॉक्स होते हैं, उनके जो गत्ते निकलते हैं, या मिठाई के डब्बे हैं, इनको भी सजा के आप कोई भी ट्रे बन सकते हैं, मिठाई का डब्बा बड़ा सा है तो उसकी ट्रे बना लीजिए, उसको आप सजा लीजिए। दिए बनते हैं, मोम के दिए बना सकते हैं आप, जो मोम होता है उसको आप छोटे छोटे दियों में सजा कर उनको, और उसमें मोम भर के आप उनके भी दीपक बना सकते हैं। तो कई तरह की चीजें आप बना सकती हैं और अपने घर को सजा सकती हैं। तो और आइडियाज मैं बाद में दूंगी आपको, मेरी अगली वीडियोस में दूंगी। दिवाली में मैं अभी कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी, केवल मैं दिए रंगूंगी तो वो आपसे जरूर शेयर करूंगी। अच्छा, एक बात और कहूंगी कि मेरा जो पुराना मतलब एक चैनल और है मेरा, टिप्स एंड ट्रिक विद छाया के नाम से एक चैनल और है जिसे मैं वापस शुरू कर रही हूँ। ये जो हादसा मेरे साथ हो गया था उसके कारण मैं उस चैनल को देख ही नहीं पाई बिल्कुल भी। इस चैनल में तो मैं आपके कहने से डालती हूँ, लेकिन उस चैनल को मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है, तो उस चैनल में मैं अब वापस शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने मेरी कम्युनिटी में उनको शेयर किया वीडियोस को तो आप लोगों ने देखी और उसमें सब्सक्राइबर भी बढ़े, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उस चैनल को भी चलाऊं। तो आज मैं उस चैनल के लिए भी वीडियो बना रही हूँ, तो उस चैनल को भी जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। आइडियाज कैसे लगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।